ओके तो नया चैप्टर है आज हमारा, आपको ये क्लास पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो अगर किसी का छूटता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सारे बच्चा लोग स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, जल्दी से यस और नो बोल दो फटाफट, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। यस सर क्लियर है। ओके ओके ठीक है। क्लास 10 में जो सर्कल है चैप्टर, ठीक है, एक्चुअली चैप्टर का नाम सर्कल नहीं है बट मैंने कॉमन नाम दे दिया यहाँ पे सर्कल। यहाँ पे आपको सर्कल के बेस पे दो चैप्टर्स मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्कल के बेस पे दो चैप्टर मिलते हैं, तो हम दोनों चैप्टर को साथ में लेकर ही चलेंगे, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, सर्कल के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, सर्कल के बारे में हर चीज़, हर डेफिनेशन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें सर्कल, सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल एक फ्री हैंड कर्व है, फ्री हैंड कर्व है, फ्री हैंड कर्व, या सिंपल बोल सकते हो इट इज अ क्लोज लूप, क्लोज कर्व, ठीक है। सर्कल क्या है, क्लोज कर्व, दूसरी बात सर्कल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर्कल में कोई एंगल्स नहीं होते, सर्कल में कोई एंगल्स नहीं होते हैं, और ध्यान से देखना हर एक सर्कल का अपना एक क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। आप एक सिंगल सेंटर में से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, सिंगल सेंटर में से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, पर इन सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल जिनका क्या हो, कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर, ठीक है। बट क्या अभी कभी आपने ऐसा देखा है कि दो सर्कल हैं और इनका सेंटर ये है, क्या दो सर्कल का एक सेंटर हो सकता है, नो, ठीक है। एक सेंटर में से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, ठीक है, बट दो डिफरेंट सर्कल के सर्कल का एक सेंटर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है, एवरी सर्कल, एवरी सर्कल हैविंग, एवरी सर्कल हैविंग यूनिक सेंटर, यूनिक, यूनिक मतलब दो सर्कल एक कॉमन सेंटर शेयर नहीं कर सकते, दो सर्कल का अपना खुद का क्या होगा, सेंटर होगा। मतलब अगर सर्कल ए की बात करें तो इसका सेंटर ये होगा, सर्कल बी की बात करें तो इसका सेंटर ये होगा, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। सर्कल है वो कितने पॉइंट से बनता है, जैसे देखो यहां पे पॉइंट ले लिया, ऐसे पॉइंट ले लिया, तो आप इन सबको क्या कर दोगे, कलेक्ट कर दोगे, तो क्या मिलेगा आपको, सर्कल मिलेगा। तो ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे तो सर्कल बनेगा, ऐसे हम काउंट करने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, सीधा आंसर लिखना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से क्या बनता है, सर्कल बनता है, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, सर्कल एक फ्री हैंड कर्व है या एक क्लोज कर्व है, इसका मैं टेक्निकल डेफिनेशन अभी बताऊंगा, मैं जो क्लास 9 में दी हुई थी अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सर्कल में कोई भी एंगल नहीं होते हैं, सर्कल हर एक सर्कल का अपना खुद का एक यूनिक सेंटर होता है, एक सेंटर में से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं जिनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, बट दो अलग अलग सर्कल का एक सेंटर नहीं हो सकता, यूनिक सेंटर ही होते हैं, ठीक है। और सर्कल इज मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा अब यहां पे देखना, ये हमारा सेंटर सी है और ये पॉइंट्स हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां से हर एक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5
5 सेंटीमीटर सर्कल कब बनता है किसी भी सेंटर से, सर्कल कब बनता है किसी भी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, किसी भी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं, किसी भी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं अगर उनको कंबाइन कर लिया जाए, उनको कलेक्ट कर लिया जाए, उनको ज्वाइन कर लिया जाए, क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अगर मैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, द कलेक्शन ऑफ, ये आपकी क्लास 9 की डेफिनेशन बता रहा हूं जो टेक्निकल डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उनको कलेक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्लास 9 की बुक में दिया हुआ है, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में, 9 की बुक में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी और ये इसकी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज। सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल एक खास तरह का क्लोज कर्व होता है, ठीक है, और इसको ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, कंपास यूज करते हैं, राइट। और ये कितने पॉइंट से बना हुआ होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें डिस्कस हो गई यहां पे, अभी हम सर्कल की पहली डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले आता है रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं, चलो ये हमारा सर्कल है, मैं सर्कल को थोड़ा ठीक से बना दूंगा, हर बार मुझे जरूरत पड़ेगी। सर्कल सर्कल का जो यहां पे सेंटर रहेगा और सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पांचवा, हमने इनको नाम दे दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। ठीक है, और जो सेंटर है उसको हमने नाम दिया है ओ। अब सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो वो क्या मिलेगी आपको, रेडियस। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगी, रेडियस। सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, रेडियस। ये सारे रेडियस आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पॉइंट ऑन सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। और दूसरी जो पॉइंट है उसका वो है कि ऑल रेडियस आर इक्वल,
ठीक है, सर्कल की जितनी रेडियस होती है सारी कैसी होती है, इक्वल होती है। थर्ड थिंग ये है कि एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, चलो मुझे बताओ सर्कल कितने पॉइंट से बना हुआ होता है, सर्कल इनफाइनाइट, तो इसके पास रेडियस भी कितनी होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया रेडियस के बारे में सारी बातें, अभी एक स्टेप आगे जाते हैं, डायमीटर, वापस सर्कल ले रहे हैं, यहां पे मैं सर्कल का सेंटर ले लिया और यहां पे सर्कल का एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पे एक पॉइंट लिया है पॉइंट एक्स एंड क्या हुआ, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, एक मिनट आप, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली, हाँ अभी बराबर है, ठीक है, ओके फाइन। यहां पे अगर मैं B को O से ज्वाइन कर रहा हूं और O को मैं A से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने किनको ज्वाइन किया, B को O से ज्वाइन किया और O को A से ज्वाइन किया, मतलब ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस X को मैं O से ज्वाइन कर रहा हूँ और O को मैं Y से ज्वाइन कर रहा हूँ, X को O से ज्वाइन कर दिया और O को Y से ज्वाइन कर दिया, मतलब मुझे क्या मिला, XY, ठीक है। अब ये दोनों लाइन है ना किसमें से पास हो रही है, देखो तो ये आप बताओ किसमें से पास हो रही है, सेंटर में से, ठीक है, सेंटर में से पास होने वाली, सेंटर में से पास होने वाली जो लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, ये भी क्या हुआ, डायमीटर, डायमीटर देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब डायमीटर दो रेडियस को आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा, या सिंपल फॉर्मूला हो गया यहां पे 2R इज इक्वल टू डायमीटर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, सपोज मेरे पास कोई सर्कल है जिसमें रेडियस है 3 सेंटीमीटर और मुझे इसका डायमीटर चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, राइट, अब डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितनी मेरे पास, 3 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा मुझे बताओ डायमीटर कितने होंगे पूरे सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, जितने रेडियस होंगे उनसे डबल डायमीटर होते हैं, अब रेडियस कितने हैं, इनफाइनाइट है, डायमीटर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, सीधी बात है। बट एक बात ध्यान रखना है, डायमीटर की डेफिनेशन में सेंटर वर्ड आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायमीटर हमेशा किस में से पास होता है, सेंटर में से पास होता है, डायमीटर का और सेंटर का काफी कनेक्शन है यहाँ पे, ओके। तो ये डायमीटर देख लिया, अभी आपके पैरामीटर स्टार्ट हो रहे हैं, अभी मैं ले रहा हूं कॉर्ड,
ये हमारा सर्कल और इसका सेंटर आ गया ओ। मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, एक्स को ओ से पास करवाया, ओ से वाई पे गया, और यहाँ पे ए से ज्वाइन किया बी पे। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सेंटर से पास हो रहा है और ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पे दोनों पॉइंट्स देखो, x और y कहां पे है ऑन सर्कल, और यहां पे भी a और b कहां पे है ऑन सर्कल, यहां पे x एंड y ऑन सर्कल है और a एंड b भी ऑन सर्कल है, राइट। बट xy कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं, और ए बी कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट, और इसे हम क्या कहेंगे, पहले देख चुके हैं हम, डायमीटर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लाइन ज्वाइनिंग, कोऑर्ड की बात बता रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, कॉर्ड मिलेगा। लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन सर्कल, और डायमीटर के लिए हम क्या बोलेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया डायमीटर और कॉर्ड में। अच्छा, अब मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल डायमीटर आर कॉर्ड, या फिर ऑल कॉर्ड आर डायमीटर, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ट्रू है, आप मुझे सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं, इस बात के ऊपर थोड़ा सा सोचो आप, दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है, डायमीटर भी सर्कल के दो पॉइंट से बना हुआ होता है और कॉर्ड भी सर्कल के दो पॉइंट से बना हुआ होता है। डायमीटर में सिर्फ क्या हो गया है कि वो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो सेंटर से पास होगा बस, मतलब कहीं ना कहीं डायमीटर भी पहले कॉर्ड हुआ करता था, बट अगर उसको सेंटर से पास करवा दिया जाए तो वो कॉर्ड में से क्या बन गया, डायमीटर बन गया। ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर बनने के लिए क्या चाहिए, सेंटर में से पास होना पड़ेगा, ये फॉल्स आता है। सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं है, सारे डायमीटर कॉर्ड है, क्लियर हुआ। ओके, क्योंकि सारे कॉर्ड को, जितने भी कॉर्ड्स हैं उनको डायमीटर बनने के लिए उनको सेंटर में से पास होना पड़ेगा, ठीक है, और जरूरी नहीं कि सारे कॉर्ड सेंटर में से ही पास हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्टीशन बता रहा हूं डायमीटर से, और ये पार्टीशन बता रहा हूं कॉर्ड से। और एक और मुझे बताना था,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं उसको थोड़ा प्रॉपरली लिखूंगा यहाँ पे। रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड सर्कल को है ना अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है। मैं यहाँ पे कॉर्ड की बात करूंगा, ये हमारा सेंटर हो जाएगा O, इसमें भी सेंटर हो जाएगा O और इसमें भी सेंटर हो गया O। अब मैं यहाँ पे कॉर्ड ले रहा हूँ, आपको पता है कॉर्ड क्या होता है, सेंटर में से पास नहीं होता है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले वाला पार्ट ये हो गया आपका और दूसरे वाला पार्ट क्या हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, सर्कल के सेंटर में से पास होता है। इसने सर्कल को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैं दो रेडियस ले रहा हूँ, यहाँ पे भी दो पार्ट्स हो गए। डायग्राम पूरी प्रॉपरली नहीं बन रही बट आप समझ जाना। कॉर्ड क्या बनाता है, सेगमेंट बनाता है। डायमीटर क्या बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है। और रेडियस क्या बनाता है, सेक्टर बनाता है, ठीक है। बट ये बड़ा पार्ट है तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये छोटा पार्ट है जिसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। ये सेमी सर्कल हो गया आपका, सेमी सर्कल। ये भी क्या हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है। और ये बड़ा पार्ट है तो क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट। और ये क्या हुआ, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, यहां पे कॉर्ड, कॉर्ड यहां पे क्या हो रहा है, कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट में, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट में। अगर आप मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को कंबाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, वापस आपको सर्कल मिल जाएगा। सेम वे अगर आप दो सेमी सर्कल को आपस में जोड़ दोगे, कंबाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, वापस क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। सिमिलरली मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को भी आपस में आप कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई, सारे बच्चा लोग। ये बात क्योंकि इसी के बेस पे आगे हम सम करने वाले हैं तो ये क्लियर ना हो तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ओके चलिए, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं सेकेंड, ठीक है। सेकेंड किसे कहते हैं,
ये सर्कल है हमारा और ये सर्कल का सेंटर ओ, और ये यहां से मैं कोई लाइन पास कर रहा हूं, ये लाइन मान लिया लाइन एल, राइट। तो अगर कोई लाइन सर्कल के कोई दो पॉइंट को टच करती हुई जाए, ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। और दूसरा एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं टेंजेंट, इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है। वो हो गया, बट टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजेंट क्या करेगा, सर्कल के सिर्फ किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट को क्या करेगा, कट करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। सेकंड क्या कर रहा है, यहां पे पॉइंट ए ले लिया और यहां पे पॉइंट बी ले लिया। सेकंड सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, जब टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और ये सर्कल के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहते हैं पी ओ सी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों लाइन है, टेंजेंट भी लाइन है, टेंजेंट और सेकेंड दोनों क्या है, लाइन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सेकेंड सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड क्या करता है, सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, और टेंजेंट क्या करता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करता है, और वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें एक और मैं बात ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे सर्कल के सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर आप इन ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, रेडियस मिलेगा। और रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में, या रेडियस या टेंजेंट के बीच में, ये टेंजेंट है, ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितने का एंगल होता है, 90। आप यहाँ पे एक बात ऐड कर दो कि जो रेडियस है और जो हमारा टेंजेंट भी है वो हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। और ये कहाँ पे ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और वो 90 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पे बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मिलता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं, जहां पे हमारा टेंजेंट सर्कल को टच करता है। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, एक बार यस और नो बोल दो। हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि 5-10 मिनट की ब्रेक ले ली जाए। क्लियर है सारे बच्चा लोग, जल्दी से तब श्रद्धा प्रिंस खुशी जैनी दिग्विजय यस सर क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट के बाद वापस मीटिंग में आना है, कोई ज्वाइंट होने में टाइम मत लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सर्कल की। ओके चलो मीटिंग क्लोज करते हैं यहाँ पे, 5 मिनट के बाद फिर से वापस जॉइन होगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट।